पास है। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को अब जिम्मेदारी मिल गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और पहले मंत्री नागर सिंह चौहान इस विभाग को संभाल रहे थे, तो अब नागर सिंह के पास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री पद के, और आपको ये भी बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेने के 21 दिन बाद विभाग यहाँ पर दे दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए मंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद इंतजार यही किया जा रहा था कि आखिर कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, और अब विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जाहिर तौर पर इंतजार रामनिवास रावत को भी था और मंत्रिमंडल को भी था और हमें भी था कि उनको कौन सा विभाग जरूर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अब तस्वीरें साफ हो गई है, रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण विभाग बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग मध्य प्रदेश कैबिनेट का उनको सौंपा गया है। और उससे पहले ये नागर सिंह चौहान के पास ही विभाग था, वो सिर्फ जो है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग नागर सिंह चौहान के पास रह गया है, लेकिन इसके अलावा वन एवं पर्यावरण विभाग जो की बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग है वो रामनिवास रावत को सौंपा गया है। हालांकि शपथ के करीब 21 दिन बाद यानी कि करीबन 3 हफ्ते का इंतजार यहां पर रामनिवास रावत को करना पड़ा था। कई बैठकें हुई, कई चर्चाएं हुई, कई जो है वो दिग्गजों के साथ मंथन किया गया कई दिनों तक, और उसके बाद अब उनको ये जो है विभाग यहां पर सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो है वो रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आया, उसके बाद उनकी वरिष्ठता को देखते हुए सबसे पहले तो उनको मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद भी ये देखा जा रहा था कि उनको कोई छोटा मोटा विभाग नहीं दिया जाएगा, कोई जो है बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग ही सौंपा जाएगा। जाहिर तौर पर वन और पर्यावरण विभाग, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो काफी ज्यादा वन परिक्षेत्र है और माना भी जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा घनी जो है वो वन जो है वो परिक्षेत्र फैला हुआ है घने तौर पर, इसी कारण जो है वो रामनिवास रावत को एक बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। हालांकि कोई नया विभाग यहाँ पर नहीं सौंपा गया, क्योंकि ज्यादातर अब जो मुख्य विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, जो विभाग है उन्हीं के बीच में बंटवारा किया गया है, मंत्रियों के बीच में ही बंटवारा किया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका जानकारी के लिए। तो देखिए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ली थी, अब वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है।